सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक और नए आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है Zomato लिमिटेड। तो कंपनी के आईपीओ से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इस ऑफिशियल नोटिस में अवेलेबल जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, Zomato लिमिटेड ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली एक जानी मानी कंपनी है और ऐसे लोग जो बाहर से खाना मंगाने के शौकीन हैं वो इस कंपनी को ज़रूर जानते होंगे। इस कंपनी ने अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेस करने के लिए सेबी को DRHP सबमिट कर दिया है। आपको बता दें कि DRHP का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेस करना चाहती है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि उसे सेबी को DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होता है। इसमें कंपनी की सारी जानकारी जैसे कि फाइनेंशियल, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, कंपनी कितने हजार करोड़ का आईपीओ लाना चाहती है, ये तमाम जानकारी होती है। उसके बाद इस जानकारी को सेबी वेरीफाई करता है। उसके बाद कहीं जाकर किसी भी कंपनी के आईपीओ को मंजूरी मिलती है और मार्केट में ओपन होता है और फिर हम उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो देखिए, Zomato ने DRHP सबमिट कर दिया है, यानी कि इसने अपना इनिशियल जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट कर दिया है। अब धीरे धीरे इसका आईपीओ जल्दी ही मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू बताया गया है कि जो भी शेयर्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए आएंगे उसका फेस वैल्यू ₹1 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से रहेगा। वहीं यहाँ पर बताया गया है कि जो ओवरऑल आईपीओ का साइज होने वाला है वो करीब करीब यहाँ पर 82,500 यानी कि 82,500 मिलियन के आसपास का होने वाला है। यानी कि अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो 8,250 यानी कि 8,250 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ होने वाला है। ये दो भागों में डिवाइडेड है। पहला होगा आपका फ्रेश इशू के जरिए। फ्रेश इशू के जरिए करीब 7,500 करोड़ का यहाँ पर इशू साइज आने वाला है, यानी कि ये फ्रेश इशू के जरिए आएगा और ये सारा का सारा पैसा कंपनी के डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। और बाकी का जो पैसा है, बाकी का जो 7,750 करोड़ का जो पैसा है जो कि आपका ऑफर फॉर सेल के जरिए आएगा, उसमें कोई ना कोई अपनी हिस्सेदारी जो पुराने प्रमोटर होंगे या पुराने शेयर होल्डर होंगे वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे और उनका जो पैसा होगा वो अपनी जेब में रखेंगे। यानी कि काफ़ी बड़ा अमाउंट ऐसा होने वाला है जो कंपनी के डेवलपमेंट में खर्च होगा। तो काफ़ी बढ़िया ये इशू होने वाला है। और देखिए, जानी मानी कंपनी है, Zomato का नाम सुन के आप भी समझ गए होंगे कि कौन सी Zomato है जिससे आप डेली खाना मंगाते हैं और कूपन कोड ढूंढते रहते हैं कि भाई कूपन कोड मिल जाए तो हमें 50-100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाए, 50% का डिस्काउंट मिल जाए। ये वही कंपनी है जो जिसका आईपीओ आपको मार्केट में देखने को अब मिलने वाला है। ये कंफर्म हो गया है, ऑफिशियल नोटिस आ गया है। ये DRHP ही है, पूरा DRHP है और आप देख सकते हैं 419 पन्नों का है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पर मैं PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड इसको कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बिड प्राइ ओपन और क्लोज लिखा हुआ है और यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब भी कंपनी के जो आईपीओ है उसको अप्रूवल मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको डेट्स भी दिखेंगी कि कब ये आईपीओ ओपन होने वाला है। क्योंकि जब तक किसी भी कंपनी के आईपीओ को अप्रूवल नहीं मिलता है उसकी डेट और उसका प्राइस बैंड वगैरह या लॉट साइज़ वगैरह कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसका जो प्राइस बैंड है वो करीब करीब आपको ₹100 के अंडर में ही देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे आपने पिछले कई आईपीओज देखे हैं जिनके जो प्राइस था, एक शेयर का प्राइस था वो ₹100 से कम था, इसका भी आपको ₹100 से कम का प्राइस एक शेयर का देखने को मिल सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के। अब बात आती है कि ये आईपीओ आपको मार्केट में कब तक देखेगा। देखिए, DRHP कल के दिन यानी कि करीब करीब 27 अप्रैल के दिन ये सबमिट किया गया है। कह सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट में सबमिट किया गया है, यानी कि मई का पूरा महीना और जून का पूरा महीना। आपको इसका आईपीओ जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के आसपास देखने को मिल सकता है अगर सब कुछ सही रहा, क्योंकि मिनिमम 2 महीने तो लगते ही हैं किसी भी आईपीओ को अप्रूवल मिलने में। और देखिए, कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जो डॉक्यूमेंट गलत देती है,
तो वापस से सेबी उस डॉक्यूमेंट को मांगती है, जिससे काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जोमेटो अच्छी कंपनी है, मुझे लगता है इसका आईपीओ आपको 2 से 2.5 महीने के अंदर मार्केट में ओपन होता हुआ दिख जाना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम वो नहीं करनी है, ये आईपीओ जल्दी ही आएगा और आपको कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये आईपीओ होने वाला है और बहुत ही जानी मानी कंपनी है, जिसके कारण इसमें लिस्टिंग गेन मुझे लगता है कि बढ़िया मिलने की संभावनाएं हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।